अभिभावक छात्र एकता मंच ने मऊ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। अभिभावक छात्र एकता मंच के संयोजक राज विजय यादव ने बताया कि मऊ में निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से कोरोना काल के समय बंद क्लास की मनमानी तरीके से फीस वसूली की जा रही है, जिसके विरोध में अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सराय लखनसी थाना अध्यक्ष द्वारा हम लोगों को फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर हम लोगों ने एसपी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। जो है यहाँ के लोकल कुछ संगठन है अभिभावक एकता मंच, इन्होंने दिया है। इन्होंने बताया कि जो कोरोना काल में फीस वृद्धि हुई थी उसके बारे में जो जांच किया जाए, आवश्यक कार्रवाई की जाए, इस संबंध में विधिक कार्रवाई होगी। सर, सरायगंज थाने के इंचार्ज राम सिंह, उन्होंने शायद धमकियों की दी है, किस तरह धमकी है सर, क्या है? यह जैसा आरोप लगाया गया वो धमकी दिया जा रहा है किसी एक मुद्दे को लेके, मैं इसकी जांच करा के विधिक कार्रवाई जो भी होगी वो किया जाए। थैंक यू। एक अभियान चला रहे हैं अभिभावक छात्र एकता मंच के बैनर तले। हम लोग का अभियान है कि फीस जो कोरोना काल में विद्यालय बंद थे तो उसकी फीस न ली जाए, और विद्यालयों की जो मनमानी है कॉन्वेंट विद्यालयों की, वो इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मनमानी कर रहे हैं हर क्षेत्र में, किताबों को लेकर के हो, जब सीधे सीधे सरकार कह चुकी है कि आप एनसीईआरटी किताबें लागू करें, लेकिन इस तरीके की मनमानी चल रही है, कमीशनखोरी चल रही है, और सबसे बड़ी बात है जब हम लोग अभियान में जागरूकता फैला रहे हैं, सरकार की बात को हम लोग समाज में पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो यह लोग पुलिस को आगे करके हम लोग पे दबाव बना रहे हैं, और बिना ऊपर मामला, जैसे अभी हम कोतवाली में मेरा घर है, और ऊपर आ करके एक सराय लखनसी थाना अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि आप इस अभियान को शांत कर दें, नहीं तो आपको गांजे कट्टे में जेल भेज देंगे। हमारा बस यही कहना है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, अगर उस वो अगर दायरे से बाहर है, अगर जागरूकता फैलाना अगर गलत है, अभिभावक कहीं जागरूक ना हो जाए, इस बात का अगर डर है आपको, और आप अगर किसी के एजेंट हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं। इसी बात को लेकर के हम लोग एसपी महोदय से मिले हैं और अपना ज्ञापन दिए हैं कि सर, हम लोग जो अभियान चला रहे हैं, अगर हमारा अगर किसी दायरे से हम बाहर होकर के काम कर रहे हैं तो हमें ज़रूर उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से गाजा और कट्टा में हमको जेल भेजेंगे तो हम क्या संदेश जाएगा? हम ना गाजा कट्टा बेचते हैं ना खाते पीते हैं, हम लोग आप पुकार गुटका नहीं खाते हैं, ये लोग हम लोग को गाजा कट्टा में जेल भेजने की बात कर रहे हैं।